भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। भज मन मेरे यीशु नाम, मन तू पुकारे यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे। भज मन मेरे यीशु नाम, मन तू पुकारे यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे। आज का संदेश वैंजलिस्ट ओएम मैथ्यू बेंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे सुनने वाले सब श्रोतागण को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। पिछले दिनों में उद्धार संबंधित बातों को हम लोग विचार कर रहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय और 3-5 से एक फरीसियों में निकोदेमुस नामक का एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह से वो बातें कर रहा था। यीशु मसीह को बहुत तारीफ किया। तब यीशु मसीह ने एक सवाल किए थे 3 में, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। एक सवाल नहीं, प्रभु ने एक जवाब के रूप में उनके पास में उत्तर दिया। निकोदेमुस को यह बात समझ में नहीं आया। तब यीशु मसीह ने वो विस्तार रूप से समझाया। 5 में यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर नहीं सकता। यहां पर 2 चीजों को प्रभु ने सामने लाया, आत्मा और जल। और आत्मा के बारे में किसी को कोई शंका नहीं होता, ज्यादातर कोई डिबेट नहीं होता इसमें। ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। यीशु मसीह ने बताया, मैं जाने के बाद मैं पवित्र आत्मा को भेजेंगे, वो पवित्र आत्मा धार्मिकता के बारे में, आने वाला सजा के बारे में, पाप के बारे में आपको निरुत्तर करेंगे, हर एक सच्चाई में ले जाएंगे। यीशु मसीह ने बताया, पेंतेकोस्त का दिन में पवित्र आत्मा आया। ओ पवित्र आत्मा ही एक व्यक्ति को नए सिरे से जन्म होने के लिए, दूसरे शब्दों में कहा जाए उद्धार पाने के लिए मदद करता है। पवित्र आत्मा उद्धार पाने के बाद पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आता है, लेकिन उद्धार पाने से पहले ही हरेक मनुष्य जो प्रभु का वचन सुनते हैं उसके साथ साथ उनका दिलों में पाप के बारे में याद दिलाता है। लेकिन यहां पर जल के बारे में भी बताता है, आत्मा और जल। ये जल क्या होता है, इसमें कई प्रकार का वाद विवाद होता है और कई लोग बताता है ये जो जल है जो बपतिस्मा के बारे में कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास करे बपतिस्मा भी ना ले उनका उद्धार नहीं होता। लेकिन बाइबल स्पष्ट बताता है कई जगहों पर, केवल उद्धार पाना विश्वास के साथ है। एक व्यक्ति उद्धार पाने के लिए केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना। एक जाना माना पद में आपके सामने पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 इसका 16 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इधर बताते हैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना, केवल विश्वास करना। ध्यान सुनिएगा, केवल विश्वास करना।
वही बात पहला अध्याय का पहला पद में भी हम लोग पढ़ते हैं, जो सॉरी पहला अध्याय का 12वां पद में, जितनों ने उसे ग्रहण किया, विश्वास किया, ग्रहण किया, स्वीकार किया, वो परमेश्वर का संतान बन जाता है। तीसरा अध्याय का 36वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करता है आनंद जीवन उसका है, जो पुत्र पर विश्वास करते हैं आनंद जीवन उसका है, जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता परमेश्वर का क्रोध जो नरक की दंड उनके ऊपर है। इसलिए मुझे सुनने वाला भाई लोग, मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोगों को कोई शंका नहीं होता, लेकिन यदि आपका मन में कोई डाउट है, यीशु मसीह पर विश्वास करना, साथ ही बपतिस्मा लेना और भी कुछ कार्य करना, तभी तो उद्धार मिलेगा, ऐसा बाइबल में कोई शिक्षा नहीं है। बाइबल स्पष्ट बताता है, यीशु मसीह हमारे लिए कैलवरी क्रूस पर अपना जान दे दिया, सारा मानव जाति को उद्धार देने के लिए यीशु मसीह अपना जान क्रूस पर बलिदान के तौर पर दे दिया। उन्होंने हमारे लिए जो कुछ करना था क्रूस पर पूरा किया, केवल विश्वास करने के द्वारा। इसलिए जल पवित्र आत्मा को नहीं दर्शाता है, मैं अगला संदेश में उसका विस्तार रूप से बताएंगे, वो जल परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। पगला पत्रस इसका पगला अध्याय इसका 23वां पद में बताता है, जो अविनाशी बीज करके प्रभु का वचन को बताता है। इसका मतलब पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन, जो व्यक्ति जो बाइबल पढ़ते हैं, वचन को अंगीकार करते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, उसमें पवित्र आत्मा का कार्य करते हैं, इसी प्रकार एक व्यक्ति यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और उसको कहता नया जन्म हो गया। आज मुझे सुनने वाला बाइलों में कोई भी व्यक्ति इस यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, तो आज इस यीशु मसीह पर विश्वास करना, उद्धार पाना, आपका जीवन धन्य हो जाए। प्रभु इस छोटी सी संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, आमेन।